मेरे प्यारे देशवासियों, एक और महत्वपूर्ण विषय है एकता, एकजुटता। इतने बड़े देश को, उसकी विविधता को हमें सेलिब्रेट करना है। इतने पंथ परंपराएं, ये हमारे आन बान शान है। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं है, सब बराबर है। कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। ये भाव एकता के लिए बहुत जरूरी है। घर में भी एकता की नींव तभी रखी जाती है जब बेटे बेटी एक समान हो। अगर बेटे बेटी एक समान नहीं होंगे तो एकता के मंत्र नहीं गूंज सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी हमारी एकता के लिए पहली शर्त। जब हम एकता की बात करते हैं, अगर हमारे एक ही पैरामीटर हो, एक ही मानदंड हो, जिस मानदंड को हम कहें इंडिया फर्स्ट, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, जो भी सोच रहा हूं, जो बोल रहा हूं, इंडिया फर्स्ट के अनुकूल है, एकता का रास्ता खुल जाएगा। दोस्त, हमें एकता से बांधने का वो मंत्र है, हमें इसको पकड़ना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम समाज के अंदर ऊंच नीच के भेदभावों से, मेरे तेरे के भेदभावों से हम सबकी पुजारी बने। श्रमेव जयते कहते हैं हम, श्रमिक का सम्मान ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। ये दर्द मैं कहे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारी व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। यह सामर्थ्य मैं देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं।